हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग जाने वाले हैं त्रिची। उससे पहले सोचे हम लोग आपको थोड़ा सा यहाँ पे होटल में क्या खा रहे हैं वो दिखा दें। ये होटल है निर्वाणा बुटीक होटल और ये है ब्रेकफास्ट। सो दिस लुक्स लाइक सम वड़ा। सो आई डोंट नो, उपमा, सांभर, इडली, डोसा इज ऑल्सो कमिंग। अच्छा, यहाँ पे पूरी भी आ गया है। पूरी, जैसे आप जानते हैं हम लोग हैदराबाद से ट्रैवल कर रहे हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन विल बी त्रिची। वहाँ से आगे भी हम लोग जाएंगे एंड विल कीप शोइंग यू आवर वीडियोस। Sorry, I call this upma, but this is pongal. This is the famous dish of Tamil Nadu. So yeah, and this is probably the best item that we had just now. Welcome back to my channel. Today is day 2. We are traveling from Mahabalipuram to Trichy. So yahan pe ye hai hamara resort, Hotel Nirvana Boutique. Aur hamara hotel bilkul beach road ke paas hi hai. Wahan par hai beach. यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, महाबलीपुरम के फेमस स्कल्पचर्स। ये पूरा रोड में आपको दिखने को मिल जाएंगे जब आप आएंगे हाईवे से इस तरफ। राइट नाउ द टाइम इज 9 AM एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आवर होटल टू त्रिची। त्रिची जाने में 3 घंटे लगने वाले हैं, तो देखते हैं हाईवे कैसा है एंड कितना टाइम लगता है। ऑलराइट, तो हम थोड़ी देर बीच में जाके के आए सुबह में। अभी द टाइम इज 10 o'clock। हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं त्रिची के लिए। त्रिची यहाँ से 4 hours 54 minutes दिखा रहा है। एक्चुअली कल दिखा रहा था 3 घंटे, कभी कभी दिखाता है 5 घंटे। तो पूरा जो जर्नी है इट्स अबाउट 350 kilometers फ्रॉम महाबलीपुरम नाम से। तो हम लोग अभी ये सॉल्ट लेक जो है ये क्रॉस कर रहे हैं। दिस इज द रोड। रोड काफी खूबसूरत है, पूरा चारों तरफ ग्रीनरी दिख रहा है मुझे। और क्योंकि ये विलेज के अंदर से है तो बहुत साफ सुथरा भी है और हर जगह पे खाली ग्रीनरी दिख रहा है। हम लोगों ने अभी जो मैप सिलेक्ट किया है उसमें अभी दिखा रहा है 290 kilometers फ्रॉम महाबलीपुरम, बट द टाइम इज शोइंग स्टिल 4 hours। सो Let's see how much time it takes because traffic तो ज़्यादा नहीं है, शायद 3.5 से 4 घंटे लगने वाले हैं। ये रोड पे थोड़ा ट्रैफिक दिख रहा है हम लोगों को और ये ट्रैफिक चलने वाला है मेलामारू बतूर तक। दिस इज नेशनल हाईवे 32 179B और गूगल में ये रोड पूरा ऑरेंज एंड रेड में दिखा रहा है क्योंकि लग रहा है ट्रैफिक बहुत ज्यादा है आगे।
टाइम इज 11:12, अभी भी 200 किलोमीटर बाकी है, देखते हैं टाइम कितना लगता है। यहाँ से त्रिची दिखा रहा है 216 किलोमीटर, और रास्ते में बहुत ट्रैफिक है। यहाँ पे पूरा रोड कंजेस्टेड है, आगे 4 मिनट्स का कंजेशन दिखा रहा है। और हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं, शायद पोंगल का यहाँ पे छुट्टी है और ट्रैफिक इसीलिए ज़्यादा है। So, we have traveled on so many highways across India, and unfortunately, this probably is one of the worst highway, not because of the road, because of the traffic that I see on this road. Not sure whether it's because of festival. Just look at the traffic. It doesn't feel like it's a highway, and there's toll as well on this road. अभी लग रहा है ट्रैफिक थोड़ा सा कम हुआ है, और हम लोग अभी नेशनल हाईवे 132 में है। और लोग पूरा रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। लोग अभी नेशनल हाईवे 38 के साथ मर्ज होने जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा है। अराइवल टाइम भी डिले हो रहा है। इट्स करेंटली अराइवल टाइम इज शोइंग 4:52 बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक। सो नेशनल हाईवे 38 पूरा त्रिची तक रहेगा। सो वी विल बी लीविंग नेशनल हाईवे 132 मर्जिंग विद 38। सो अनदर 20 मिनट्स टू रीच आवर त्रिची होटल। वी आर नाउ क्रॉसिंग द रिवर विच इज नेम्ड एज कोल्ली डैम रिवर। रिवर में पानी नहीं है, बिल्कुल सूखा है। तो ये रिवर क्रॉस करके आएगा कावेरी रिवर, उसके बाद हम लोग फाइनली एंटर करेंगे त्रिची में। अभी टाइम हो रहा है 4:47। बहुत टाइम लग गया बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, और बस 20 मिनट्स में पहुंच जाएंगे हमारा होटल। उसके बाद हम लोग शाम को जाएंगे रंगनाथ स्वामी टेम्पल। शाम तो हो ही गया ऑलमोस्ट, तो होटल पहुंच के ही चेक इन करके हम लोग निकल जाएंगे टेम्पल के लिए। वी आर क्रॉसिंग कावेरी रिवर। कावेरी रिवर में थोड़ा सा पानी तो मुझे दिख रहा है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। हम लोग त्रिची आ चुके हैं, और यहाँ से हमारा होटल 4 किलोमीटर ही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पहुँच गए हैं, और हम लोग शाम को जाएंगे रंगनाथ स्वामी टेम्पल देखने के लिए। और टेम्पल देखने में 500 मीटर्स टर्न राइट ऑन टू संजीवी नगर मेन रोड। सो हम लोग टेम्पल देखेंगे, शायद शाम हो जाएगा। और इसी के साथ आई थिंक दैट इज द टेम्पल विजिबल देयर। आई डोंट थिंक द कैमरा कैन शो, नॉट श्योर दैट इज द वन। या सो हम लोग शाम को वो टेम्पल देख के हमारा ये आज का जो दिन है वो ख़त्म करेंगे। तो टेम्पल के कुछ पिक्चर्स मैं दे दूँगी, बिकॉज टेम्पल के अंदर फोटोशूट करना अलाउ नहीं है। तो इसी के साथ हमारा त्रिची का डे टू इन साउथ इंडिया ये भी ख़त्म हो गया। हम लोग कल जाएंगे थंजावुर, जो कि यहाँ से आई थिंक 1 आवर लगता है। तो कल निकलेंगे सुबह और हम नेक्स्ट ट्रिप नेक्स्ट डे इन थंजावुर। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।
சிவனின்னு பார்த்தேன்.